नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ होली पे दूध पुआ। तो ये मैंने लिया है सूजी, ले लिया है, और इसमें हम सूजी से मैंने नाप कर सूजी ले लिया है 1 कप। अब मैदा ले लेते हैं। मैदा मैंने ले लिया है 1 कप, 1 कप और मैदा ले लिया है। सूजी मैं इसलिए ले कि जिससे करारे करारे हमारे पुआ बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, ने चीनी ले लिया है 1 कप। इसमें हम इसी कप से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको घोल बना लेते हैं पेस्ट इसका। हम इसमें 2.5 कप इससे हम पानी डाल के हम पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट और किशमिश इलायची को डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना गाढ़ा, कितना बढ़िया हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए, फिर हम पुआ बनाएंगे। नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ दही भल्ला। तो इसके लिए मैंने मूंग का दाल लिया है, जिसके लिए हमारा सेहत के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। तो मैंने रात में भी रो लिया था। मैंने इसको छन्नी में छान लिया है। अब इसको हम जार में पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ईनो डाल दूँगी, 1 चम्मच ईनो डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। फेट लेते हैं। अब हम दही भल्ला बनाने के लिए अब तेल गरम करेंगे। अब इसे मिक्स कर लिया है मैंने। ये 4 गिलास पानी रखा है, पानी को मैं अब गरम कर देती हूँ। अब इसमें हम दही भल्ला बना बना के डालेंगे। तेल मैंने गरम करने के लिए मैंने रख लिया है, गैस को मैं हाई फ्लेम में भी रखा है। देखिए तेल हमारा गरम हो गया। इस तरीके से हाथों के सहारे मैं इसको तोड़ लेती हूँ, सारे को बड़े को। देखिए गोल गोल मैंने कर लिया। ये कितना सुंदर फूल कर रही है हमारा दही भल्ला, उनका तैयार हो रहा है। मैंने दही लिया है, इसमें मैं डाल के फेंट लेती हूँ। जैसे दही भल्ले हमारे पानी में फूल जाएंगे, फिर निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसको फेंट लेती हूँ, अच्छी तरीके से छोटे डर से। लिया है दही। अब हम चलते हैं दही भल्ले देखते हैं हमारा बनकर तैयार हुआ है या नहीं। देखिए हल्का ब्राउनिश हो चुका है। ये मैंने पानी डाला है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। पानी में हल्का सा मैं 1 चुटकी हींग डालूंगी। हींग लिया है, हींग इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं। यह है पानी हमारा गर्म हो चुका है। दही भल्ला हमारा पककर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम दही भल्ले को डाल देते हैं और डाल के इसको ढक देंगे फूलने के लिए। मैंने रखा है, इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। दही भल्ले को छान पानी में से निकाल के और दही में मैंने डाल दिया है। अब चलिए हम सर्व करते हैं। हरी चटनी बनाया है, पुदीने की चटनी और इमली से खट्टा मीठा चटनी बनाया है। तो हम इसमें हम सर्व कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला इसको रख देते हैं। मज़े पर चाट मसाला ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा दही भल्ला
दही बड़ा बनकर तैयार है। तो इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।